हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि UP SSC की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आ रही है। जी हाँ, UP SSC के वो सभी अभ्यर्थी जो कि आयोग की तैयारी करते हैं और उसमें कोई उत्तर प्रदेश में कोई सरकारी कर्मचारी के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर आ रही है। आयोग ने एक और विज्ञापन जारी करने की पूरी तैयारी कर ली है। आयोग अगले हफ्ते विज्ञापन को जारी कर देगा आप सभी के लिए। कितने पद होंगे, क्या योग्यता होगी, इन सब की बातें देखते हैं। 700 से अधिक पद हो सकते हैं, योग्यता क्या होगी, इन सब की बात हम डिटेल में करेंगे। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, इसी तरह की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि युवाओं को सचिवालय और वन विभाग में नौकरी के लिए जल्द मौके, दो विभागों के 693 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए जल्द आवेदन मांगने की तैयारी की जा रही है। तो चलिए दिखाते हैं हम आपको किन पदों पर भर्ती होगी। पहले ये देख लीजिए, वन रक्षक के 596 पद होंगे, वन्य जीव रक्षक के 59 पद होंगे, विधान भवन रक्षक के 38 तथा अग्नि रक्षक के 4 पद। लेकिन यहाँ पर दो चीज़ें ध्यान देने वाली हैं। यहाँ पर विधान भवन रक्षक तथा अग्नि रक्षक के पद विज्ञापन में बढ़ेंगे, इस प्रकार से विज्ञापन में 700 से अधिक पद हो जाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं, उत्तर प्रदेश के युवाओं को सचिवालय व वन विभाग में नौकरी के जल्द मौके मिलेंगे। यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग विभिन्न UP SSC विभिन्न विभागों के 693 से अधिक रिक्त पदों के लिए इसी महीने आवेदन मांगने की तैयारी कर रहा है। वन विभाग के प्रमुख वन संरक्षक की ओर से आयोग को वन रक्षकों के रिक्त 596 पदों तथा वन्य जीव रक्षकों के रिक्त 59 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव भेजा गया है। इसी तरह शासन के सचिवालय प्रशासन विभाग ने विधान भवन के रक्षक के 34 व अग्नि रक्षक के 4 रिक्त पदों का प्रस्ताव भेजा है। इन सभी 693 पदों के लिए एक ही अर्हता व एक ही परीक्षा पाठ्यक्रम है, इसलिए आयोग दोनों ही विभागों से आए प्रस्तावों के लिए एक ही विज्ञापन से आवेदन आमंत्रित करने की तैयारी कर रहा है। आयोग के परीक्षा नियंत्रक विपिन मिश्रा ने बताया कि इन भर्ती प्रस्तावों के परीक्षण की कार्रवाई चल रही है, जल्द ही इनके आवेदन मांगे जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इन रिक्त पदों की भर्ती पर सरकार की नई व्यवस्था के तहत लिखित परीक्षा व फिजिकल टेस्ट के आधार पर होगी। इंटरव्यू की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। 20 नवंबर को इंटरव्यू खत्म होने की वजह से 200 नंबर की लिखित परीक्षा कराई जा सकती है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि UP SSC 18 महीने में कराई 9 परीक्षाएं, 9,913 को मिलेगी नौकरी। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग समूह गा की लंबित परीक्षाओं को ट्रैक पर लाने में सफलता हासिल की है। आयोग ने पिछले 3 वर्षों से लंबित 4 सहित कुल 9 प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित की हैं। ये परीक्षाएँ अलग अलग तिथियों में 22 जनवरी 2018, 28 जून 2019 के बीच में हुई थी। इनमें 5 भर्तियों की चयन कार्रवाई केवल लिखित परीक्षा से पूरी होनी है। तय प्रक्रिया पूरी करने के बाद इनके चयन परिणाम चरणबद्ध तरीके से घोषित किए जाएंगे। कुछ चयन प्रतियोगिताओं के लिए प्रतियोगिताओं में लिखित परीक्षा के साथ साथ शारीरिक परीक्षण, इंटरव्यू व टंकण आशुलिपिक परीक्षा भी शामिल है। उन्हें तेज़ी से आगे बढ़ाने की कार्रवाई चल रही है। इन परीक्षाओं में 9,913 युवाओं को नौकरी मिलेगी। तो ये रही अपडेट आपकी, तो आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है कि ये लगभग 700 से अधिक पद होंगे। तो जो अभ्यर्थी इनकी तैयारी करते हैं उनके लिए एक अच्छी है। आपका यहाँ पे सचिवालय में आपका विधान भवन रक्षक की ड्यूटी के रूप में लग सकती है, बाकी आपको वनों में हो सकती है और अग्नि के रक्षक के रूप में भी आपकी भर्ती हो सकती है। तो जो लोग इसकी तैयारी करते हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है, जो लोग फिजिकली फिट हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है कि वो इस पे आवेदन कर सकते हैं। अगले हफ्ते से आवेदन मांगे जाने या अगले हफ्ते तक विज्ञापन जारी करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। आपका विज्ञापन जल्द जारी हो जाएगा इस एक और भर्ती प्रक्रिया का चुनाव बाद 2019 में। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।